सो हमारा लेटर ऑलमोस्ट कंप्लीट है। सो इसलिए हमने सोचा है आज का वीडियो में थोड़ा वर्क बच्चों को देना, लेकिन बच्चों भी थोड़ा भी बहुत सारा बच्चों को भी लिखने को आता है लेकिन बोलने का टाइम थोड़ा प्रॉब्लम ही होता है। सो ये दोनों हम लोग को मेंटेन करना पड़ता है लॉकडाउन पीरियड में। आप लोग कहने वाला चीज सही होता है, बच्चों को ऑलरेडी हमने सीखा है ये लेटर पूरा कौन सा बीच लेटर भी ऑलरेडी लर्न, L T I H F E X K N Y Z ये सब हमने सीखा है। वीडियो यही होता है L से H तक, इसे L से H तक मतलब L T I H ओनली कैपिटल लेटर। पेरेंट्स क्या करना है, बुक में लिखना अलग अलग लिखना या इसमें भी दिखाने को सकते हैं। आपका बच्चों को पूछना विच लेटर इज दिस, सेम तरह पूछा कौन सा लेटर है या कौन सा नहीं पूछना है, सेम वे विच लेटर इज दिस ये कौन सा लेटर इंग्लिश में पूछना। आपका बच्चा आंसर देना है दिस इज एल, नहीं तो दिस लेटर इज एल, ये दोनों में कौन सा यूज करने को सकता है। नेक्स्ट आप पूछना विच लेटर इज दिस, दैट आर योर किड शुड नीड टू आंसर दिस लेटर इज टी, दैट विच लेटर इज दिस लेटर इज आई, द लास्ट वन विच लेटर इज दिस लेटर इज एच। सो आप पूछेगा आपका बच्चा क्या करना ही पड़ेगा, लेटर रिकॉग्नाइज करके बोलना है ये लेटर यही है। तो एक वीडियो आप वैसा ही करना, उसका कंटिन्यूएशन में भी आप ये भी करना, उसमें ये थ्री लेटर विच लेटर एल आई एच देन टी ये चार लेटर आप लिखना है थोड़ा बड़ा से, देन बच्चों को पूछना वेर इज एच ये किधर है एच। सो आपका बच्चा बोलना यही एच होता है, देन आप पूछना वेर इज एल, सो आपका बच्चा रिकॉग्नाइज करके बोला दिस इज एल। आप पूछना वेर इज टी किधर है टी, आपका बच्चा रिकॉग्नाइज करके बोलना पड़ेगा दिस इज टी। ये तरह एक वीडियो आप बनाना है। सो दो वीडियो मैंने बोला नंबर वन क्या होना चाहिए, आपका बच्चों का पूछना विच लेटर इज दिस, सो तभी आपका बच्चा बोल रहा है दिस इज एल। सो ऐसे लेटर आप पूछ के करना। नंबर टू आप ऐसा चार लेटर लिखना है, लिखने के बाद आपका बच्चे को पूछना वेर इज एच वेर इज आई, सो आपका बच्चा आंसर ऐसा ही देना है दिस इज एच और तरह ही आपका बच्चा आंसर देना है। सो ये दो वीडियो आप करना है, उसके बाद बुक में एक होमवर्क भी होगा क्या करना है, सिर्फ ये चार लेटर चार कॉलम बनाना है एल आई एच टी, सो चार कॉलम बनाकर एक पेज में कंप्लीट करके भी बेचना। पेरेंट्स थोड़ा डिफरेंट तरीके से हम भी देख रहे हैं आपका बच्चों को आगे लॉकडाउन में लेके आने के लिए। ये वीडियो एकदम इम्पोर्टेंट है, कोई भी उदासीन मत कर दो, सबने एकदम ठीक से ही कर देना। ओके थैंक यू सो मच। Like a Hellcat.